हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे इस स्पाइनल पेन को मैनेज करने के लिए एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो है, जो एक नया अप्रोच है कि इस स्पाइनल पेन को कैसे मैनेज करें। इसके लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन का, जिसमें कि नेक प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम जो आज बहुत ही कॉमन हो गई। यदि बात करें तो ये आज के समय में सेकेंड कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि फर्स्ट कोल्ड एंड फ्लू है और सेकेंड हमारा स्पाइनल प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम लोग इस बेड के विषय में और मशीन के विषय में देखेंगे। आप देखेंगे स्पाइनल डिकम्प्रेशन, दैट मीन्स की ट्रैक्शन का फोर्स दोनों तरफ से होना, ये कोई नई चीज नहीं है। ये लगभग 90s में शुरू हुआ इस पे वर्क, और ग्रेजुअली जो डिकम्प्रेशन थेरेपी की बात करूं तो ये अर्ली 2000 में ये धीरे धीरे हमारे प्रैक्टिस में आने लगा। इन 2000 के अर्लियर फेज में चेटनोगा ने एक इफेक्टिव डिकम्प्रेशन यूनिट बनाई। तो आप देखेंगे ये जो एशियंट पुराने समय से हमारा चला आ रहा है, ट्रैक्शन तो हो ही रहा था लेकिन अलग अलग मेथड था जिससे कि करते थे और एक्यूरेसी कम थी। ग्रेजुअली कुछ कायरोप्रैक्टर टेक्निक, मैनुअल टेक्निक में जब हम काम करने गए तो देखे कि अलग अलग पुलिंग इफेक्ट से, अलग अलग स्पीड से, यदि हम मैनुअल टेक्निक की बात करें तो बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो इसमें कई सारी चीजों को उन्होंने मिक्स किया, प्लस साथ ही साथ कई सारे पोस्चर को इन्होंने लिया, करवट लेना, पेट के बल लेटना, सीधा लेटना, इन सब चीजों को जोड़ा इन्होंने। तो यदि मैं बात करूं कि ट्रैक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, यदि हम डिकम्प्रेशन दे रहे हैं तो व्हाट्स इन स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व। तो यदि बात करें तो वर्टिब्रा, डिस्क, मसल, टेंडन, लिगामेंट एंड नर्व रूट, बेसिकली यदि हम बात करें तो हमारा होल स्ट्रक्चर मोबिलाइज हो रहा है। इसके बेनिफिट्स की यदि बात करें तो यदि कहीं भी इंट्रा डिस्कल प्रेशर जो आप देख रहे हैं, यदि डिस्क का प्रेशर कम हो रहा है तो हाइड्रेट हो जाती है, जो हमारी डिहाइड्रेट हुई है डिस्क उसमें हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है, ऑस्मेटिक एक्सचेंजेस होते हैं जिससे कि सर्कुलेटरी भी इंप्रूव होता है और बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। यदि बात करें कि ये डिकम्प्रेशन का जो ट्रैक्शन थेरेपी, इसका गोल क्या है, तो यदि मैं बात करूं तो डिकम्प्रेशन जो अभी हम लोग बता रहे थे, इसके अलावा मोबिलाइजेशन में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, इंक्रीज सर्कुलेशन में है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। तो ये मल्टीपल सेगमेंट में हमें हेल्प करती है। यदि बात करें सोर्स का कि पेन का सोर्स क्या है, तो पेन के सोर्स में यदि बात करें तो ज्वाइंट से रिलेटेड हो सकता है, नर्व रूट से कंप्रेशन, डिस्क बल्जेस, हर्निएशन और डिस्क प्रोट्यूजन से हो सकता है, या मस्कुलर हो सकता है। तो इन सब चीज में यदि हम देखें तो यूनिक पुल पैटर्न इसको बिल्कुल सेपरेट बनाता है और बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं हर्निएटेड डिस्क में ये काम कैसे करता है, तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं हर्निएटेड डिस्क में ये कंप्रेस्ड है जिसकी वजह से नमनेस और टिंगलिंग और पेन हो रहा है। बट यदि यही हम दोनों तरफ से प्रेशर लगा के डिकम्प्रेशन करते हैं तो इसमें न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये जो चीजें हैं, ये अपने आप रीगेन करता है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट। यदि हम लोग इस स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन के विषय में बात करें तो इस पूरे यूनिट को हम दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, एक तो हमारी यूनिट हो गई, दूसरा हमारा बेड हो गया। बिकॉज बेड भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इसी की वजह से बेड और यूनिट की वजह से ये अपने आप को ट्रैक्शन से बिल्कुल लेटेस्ट एरा में आता है, जो कि बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। पिछले 1.5 साल से मैं यूज कर रहा हूं। तो यदि हम पहले बेड की बात करें तो देखिए, जैसे कि अभी आपने देखा है इसमें एक हमारा सेक्शन अलग है जिसको हम हेड और आर्म के लिए रखते हैं, इसके अलावा ये बीच का पेल्विक का सेक्शन है और ये सपोर्ट के लिए है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि हम इसमें सुपाइन लेइंग में लेट के सीधा लेट के ले सकते हैं, इसमें हम पेट के बल लेट के ले सकते हैं। जैसे कि यदि पेट के बल लेटना है तो आप देखेंगे ये हमारा आर्मरेस्ट डाउन कर दिया और फिर ये चेस्ट तो ये नीचे की तरफ हो गया। ऐसे में पेशेंट पेट के बल लेट के और इसको आसानी से पकड़ के लेट सकता है और इसको हम स्ट्रेट डाउन करते रहे। इसी तरह यदि हम बात करें, जैसे पहले पोस्चर में आपने देखा कि सीधा लेट के आदमी ले सकता है, इसमें पेट के बल के लेट सकता है। ये हमारा यूनिक सपोर्ट है, जैसे आप देखेंगे तो ये हमने निकाल दिया तो फेस रखने के लिए आसानी है, या फिर यदि किसी को दिक्कत है तो थोरेक्स को सपोर्ट के लिए इसको हम लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें रिजल्ट है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि
कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें कि फ्लैट बैक है या लार्डोसिस इंक्रीज है, इसके लिए इन्होंने एक सेपरेटली ये पेल्विक सपोर्ट के लिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये पेल्विक सेक्शन को एडजस्टमेंट के लिए ये रेज दिया हुआ है। यदि बहुत डीपली आप यहाँ पे झुक के देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 10, 12, 14, 16 ऐसे करके लगभग 20 डिग्री तक का रेज इन्होंने दिया हुआ है, जिससे कि पेट के बल लेट के या फिर सीधा लेट के हम जब दे रहे हो तो लार्डोसिस और फ्लैट बैक को हम इजिली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम अभी बात करें सर्वाइकल के लिए, तो देखिए सर्वाइकल यूनिट को यदि मैं बात करूं तो इसको हम लोग ऐसे उठाते हैं और सर्वाइकल में हम लोग बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रखते हैं, और इसमें जैसे पहले सर्वाइकल में आप देखे होंगे डिस्कम्प्रेशन वगैरह में जब ट्रैक्शन पहले वाले दिया जाता था उसमें ये पूरा ग्रिप करके ऊपर की तरफ ले जाता था, इसमें हमें केवल इस स्पाइन पे प्रेशर मिल रहा है, वो भी केवल इस दोनों के थ्रू, और ये पूरा अच्छे से यदि मैं बात करूं तो ये यहां से पुल करता है। इसके अलावा इस बेड की सबसे खासियत क्या है कि यदि पेशेंट को हाइट कम करना है और ज्यादा करना है तो ये हाइलो बेड है, जैसे आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ यूनिट आ रही है, और इसके नीचे आने में सबसे अच्छी बात क्या है, यदि आप पास से देखेंगे इसमें यदि यूनिट की बात करें तो यहां पे एंगल दिया हुआ है, बिकॉज कई सारे केसेस में हमें ये आप एंगल देख रहे होंगे तो जैसे बेड ऊपर होता है इसका एंगल चेंज होता है, नीचे होता है तो इसका एंगल चेंज होता है। यदि बात करें तो कई सारे कंडीशंस में हमें वर्टिकल देना होता है, कई सारे कंडीशन में हॉरिजॉन्टल देना होता है, तो जैसे आप ये मशीन में देख रहे हैं इसमें कई सारे फीचर सर्वाइकल का अलग, लंबर का अलग, ईएमजी भी इसमें है और क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स है। सबसे अच्छी बात यदि क्लिनिकल प्रोटोकॉल की करें तो इसमें आप सर्वाइकल लंबर को देख सकते हैं, सर्वाइकल या लंबर में यदि जाते हैं तो लंबर में आप देखेंगे इसमें अलग अलग सेगमेंट इन्होंने बना रखा है, रेडिकुलोपैथी माइल्ड मॉडरेट सीवियर, इसके अलावा मायलोपैथी स्पोंडलोसिस स्पोंडलिस्थिसिस फेसिट ज्वाइंट सिंड्रोम से सैक्रोइलियक स्ट्रेन एंड मल्टीपल इस तरह के फीचर्स इसमें बने हुए हैं। यदि हम बात करें इसके पुल पैटर्न की तो यदि हम जाते हैं इसमें और जैसे हमने अभी माइल्ड को लिया है तो माइल्ड में जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन बना है और क्लियरली ये दिखा रहा है कि किस लेवल पे है और कितना है, और इसको यदि हम एडिट करने जाते हैं तो जैसे आप देख रहे हैं इसका पुल पैटर्न अलग अलग है कि अलग अलग फोर्स अलग अलग टाइम पे और ग्रेजुअली ले रहा है, इसमें प्रोग्रेसिव फेज है। यदि हम बात करें तो प्री टेंशन फेज अभी इसमें ऑफ है, अभी प्री टेंशन फेज को यदि हम लोग ऑन करते हैं तो ये जैसे आपने देखा प्री टेंशन फेज मैंने जैसे ऑफ से ऑन किया और जैसे हम बैक पे गए आप देखिए इतना जगह हमको प्री टेंशन को मिल जाती है, बिकॉज जब हम ट्रैक्शन देते हैं और खींचते हैं तो उस समय कई बार मसल हमारी प्रिकॉशनरी टाइट हो जाती है, वो स्पाज में डेवलप हो जाता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए प्री टेंशन फेज, प्रोग्रेशन फेज और देन ट्रैक्शन फेज, और ट्रैक्शन के बाद छोड़ता है तो आप देखेंगे जैसे ट्रैक्शन में पूरा इंटरमीडिएट में नीचे की तरफ जाता है बट इसमें पूरा नहीं जाता, ये फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो एक ये जो फेज बना रखा है, ये जो इनका स्पीड कंट्रोल्ड है, इससे बहुत ही बेहतरीन है। यदि मैं स्पीड कंट्रोल की बात करूं यहां पे आप देखेंगे 100%, 30%, 50% एंड 100%, तो ये एक स्पीड भी बहुत वेरिएबल है क्योंकि एक्यूट कंडीशन में स्लो है और जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रॉनिक की तरफ जा रहा है वैसे वैसे स्पीड चेंज हो रही है, तो इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है। जैसे आप देख रहे हैं अभी 3 स्टेप्स पे जा रहा है, फिर कभी 6 स्पीड पे जा रहा है, 6 के स्टेप्स पे जा रहा है ऊपर चढ़ाने और नीचे, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं कि किसी को स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम है या वन साइड टिल्टेड प्रॉब्लम है, ऐसे कंडीशन में यदि वन साइड टिल्टेड है या लेटरल कंप्रेशन है तो इसमें हम पूरी यूनिट को यदि आप देखेंगे तो पूरी यूनिट को हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहां नीचे आप देखेंगे तो यहां एक फीचर है, इसको उठाया और यदि राइट के तरफ गया, इधर को यदि हम राइट को शिफ्ट कर लिए तो आप जिसे दूर से आप देखेंगे तो ये बेड से पूरा एंगल चेंज हो जाता है। ये तो जैसे मैंने अभी सर्वाइकल के लिए दिखाया है, सर्वाइकल में इस पुलिंग का कोई रोल नहीं है, तो इसको यदि हम लोग हटा देते हैं सर्वाइकल को तो नॉर्मली जो बात करते हैं तो ये यदि पूरे यदि किसी को पुल करना हो तो इसका एंगल हमारा चेंज हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिकॉज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें कई सारे केसेस पिछले 1.5 साल में ऐसे ठीक हुए जिनको फुट ड्रॉप हो चुका था और इससे काफी अच्छा रिजल्ट आया, वो वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करूंगा, वो मेरे पास वीडियोस बने हुए हैं।
थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब।